नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं आप ही के अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी रीट 2019 शिक्षक भर्ती सामाजिक अध्ययन का सीरीज चल रही है और जिसके तहत मैं मौर्य वंश पार्ट जो है वो करवा रहा हूँ। मौर्य वंश का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में आपको वो वीडियो मिलेगा जिसे आप जाकर देख सकते हैं। और अन्य वीडियो पाने के लिए इस बटन के आई बटन में आपको रीट की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसे आप अलग अलग प्रकार के वीडियो देख पाओगे। तो दोस्तों, आज जो है हम रीट की सामाजिक अध्ययन का मौर्य वंश का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अशोक का वर्णन पढ़ेंगे। इसी के अलावा आगे भी नेक्स्ट वीडियो मौर्य वंश से आते रहेंगे, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, आपको सारे वीडियो देखने हैं। तो आपको एक काम करना है, आपको इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा देना है और पास में एक बेल आइकन की घंटी होती है उसको भी दबा देना है, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अशोक को। अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व उसने उसका समय माना जाता है। बिंदुसार का पुत्र अशोक विश्व के महानतम सम्राटों में से एक था, यानी बिंदुसार का जो पुत्र था वो विश्व के महान सम्राटों में से एक था। 269 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक यानी ऑफिशियल औपचारिक रूप से उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद अशोक को अभिलेखों में देवनामप्रिय, देवानप्रिय की उपाधि से संबोधित किया गया। देवानप्रियता उसको संबोधित किया गया है अभिलेखों में। मास की गुर्जरा, नेतुर तथा उदयी गोलम शिलालेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, यानी ये जो शिलालेख है मास की गुर्जरा, नेतुर, उदय गोलम, इन शिलालेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया, यानी जितने भी पुराण हैं उसमें अशोक का नाम अशोकवर्धन है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के भाइयों के रूप में तिस, सुसिम और विगताशोक का वर्णन मिलता है। जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उसमें अशोक के भाइयों के नाम है तिस, सुसिम, विगताशोक। अशोक की पत्नी के रूप में महादेवी, करुवाकी, असंगमित्रा, पद्मावती तथा तिस रक्षा का नाम मिलता है, यानी ये अशोक की पत्नी का नाम मिलते हैं। पुत्री में संगमित्रा के अलावा चारुमति का नाम भी मिलता है। संगमित्रा वो है जिसको अशोक श्रीलंका भेजता है अपने पुत्र महेंद्र के साथ, उसके अलावा चारुमति भी उसकी पुत्री का नाम मिलता है। अब देखिए, इसकी डिटेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है अशोक का कलिंग का युद्ध। पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच का एक जो प्रदेश है, वर्तमान उड़ीसा है, उसको प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। अशोक ने राज्य आरोहण के बाद 8 वर्षों में राज्याभिषेक, 9वें वर्ष में, यानी उसके जो अशोक ने राज्य आरोहण के 8 वर्ष बाद और राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में 261 पूर्व में ये कलिंग युद्ध है। इसका जो स्रोत है वो है हिंदी माध्यम की झा व श्रीमाली की पुस्तक है, उसमें वर्णन है कलिंग युद्ध का। यानी उसने ये कहा गया है कि कलिंग अपने राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष और राज्य पर गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में उसने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय के पश्चात उसने तोसली को अपनी राजधानी बनाया था। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, यानी ये जो कलिंग का युद्ध है वो लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये जो स्रोत है वो हिंदी माध्यम की झा व श्रीमाली की पुस्तक से है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लेता, यानी कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म। अशोक की बौद्ध धर्म व संघ का अभिवादन बाबरू से प्राप्त शिलालेख मिलता है, यानी अशोक के जो बौद्ध धर्म व संघ का जो अभिवादन है वो बाबरू से प्राप्त शिलालेख से मिलता है। धर्म क्या है, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की सहायता प्रस्तुत की उसे धर्म कहा गया, यानी प्रजा के उत्थान नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की सहायता प्रस्तुत की उसे कहा गया धर्म। अशोक ने धम्म विजय की चर्चा अपने 13वें शिलालेख में है, यानी अशोक की जो धम्म विजय की चर्चा है कौन से शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था, यानी पुत्र यहाँ लिखा नहीं है, उसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने पाटलिपुत्र में 3rd बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था 251 ईसा पूर्व में, यानी तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक ने 251 में किया। इसका स्रोत है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 11 की हिस्ट्री की बुक है भारत का इतिहास और संस्कृति, उसमें इसका जिक्र है। और इसके अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष बने थे। इस संगति में बौद्ध ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। 3 पिटकों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर और देवपाटन नगरों की स्थापना की, यानी अशोक ने श्रीनगर और देवपाटन जो है वो अशोक ने बसाया था। किसके अनुसार, राज तरंगिणी के अनुसार, जो कलहण की पुस्तिका है जिसके अंदर कश्मीर का इतिहास है।
अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी धम्म महामात्र जो धार्मिक व नैतिक नियमों का प्रचारक होता था, गरीब और बंदी परिवार को आर्थिक सहायता की सिफारिश करता था, राजुक स्वतंत्र न्याय अधिकारी होता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जो कि इसके अंदर मौर्य वंश का दूसरा पार्ट है और अशोक का पूरा डिटेल है। थोड़ी बहुत पार्ट अभिलेख और शिलालेख बच गए, उसके बाद हम मौर्य के जो प्रशासन और सांस्कृतिक है उसको देखेंगे और उसके बाद एक टेस्ट आयोजित करेंगे जिसके अंदर मौर्य वंश के सारे प्रश्न लगभग जो पीछे पेपरों में आए हुए हैं उनको और नए पीछे के दो पेपरों में उन क्वेश्चनों को मिलाकर मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल विपुल एजुकेशन को कीजिए सब्सक्राइब, जिसे रीट से संबंधी हर न्यूज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।